हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए तीन चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रोग क्या होता है दोस्तों? तो शरीर के किसी भी एक अंग अथवा तंत्र में कार्य क्षमता में कमी आने के कारण उत्पन्न लक्षण रोग कहलाता है। मान लीजिए आपको पैर है, उसमें दर्द उत्पन्न कर रहा है, तो वो रोगे ना हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो पैथोजेंस कहते हैं। या ये क्वेश्चन पूछते हैं, पैथोजेंस किसे कहते हैं? तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की शक्ति होती है, उसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा। तो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाने वाले प्रतिरक्षा होती है, जिसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए, प्रत्येक जो व्यक्ति है ना, उसको जन्म से रोग से लड़ने की क्षमता मिल जाता है, उसी को सहज प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन क्या है? तो देखिए, शरीर में वायरस को संक्रमण होने पर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षा होता है, उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। कहने का मतलब जो है ना, शरीर में वायरस प्रवेश करेगा तो उसमें विशेष प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसको प्रतिरक्षे क्या इंटरफेरॉन कहेंगे। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन। जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है, तब उसे अंतः प्रजनन कहा जाता है। ठीक। और यहाँ बाह्य प्रजनन में होता है, जब भिन्न भिन्न नस्लों के बीच, जो भिन्न भिन्न नस्ल के पशु हैं उनके बीच में प्रजनन होता है, तब उसे बाह्य प्रजनन कहा जाता है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के रख रखाव मधुमक्खी पालन कहा जाता है, इसे मौन पालन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मत्स्यकी एक प्रकार का उद्योग है, जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसरण तथा उन्हें बेचने से होता है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं के चार प्रोन्नत किस्म, उनके गुण। तो HD है, WH है, HD है और HI है, जो कि 3043 है, 5207 है, 2856 है और 1663 है। अगला क्वेश्चन जो है, जैव विकास। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को जैव विकास कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षण। वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन दिखता है, उसी को उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब है कि जितना अंग आप यूज कीजिएगा उसमें उतना वृद्धि होगा, वो आपका उपार्जित लक्षण होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अनुकूली विकिरण। डार्विन ने एक भ्रमण में देखा कि एक भूभौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्न प्रजातियों के विकास को जो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, इसे अनुकूलन जो है विकिरण कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अभिसारी विकासवाद। असमान जीवों के समूह में समान अनुकूली क्रियात्मक संरचना के विकास होने की अनुकूलन अभिसारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल लंबी कड़ी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक से बनी एक बड़ी अणु होती है, जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है।
और ये अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए क्या है? तो देखिए, यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें बेस एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। यह द्विकुंडलित होता है और यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आरएनए क्या है? यह राइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसमें बेस थाइमिन के जगह पर यूरासिल पाए जाते हैं। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बी डीएनए और जेड डीएनए क्या है? तो देखिए, बी डीएनए के बारे में, ये दाहिनी हाथ की ओर घुमा हुआ होता है। संकरा फास्फेट नियमित आकार का होता है और प्रत्येक घुमाव में 10 बेस जो है जुड़ा होता है। और डीएनए जो होता है, जेड डीएनए, ये बाएं हाथ की ओर घुमा होता है और इसमें शर्करा फास्फेट अनियमित आकार का होता है और इसमें प्रत्येक घुमाव में 12 बेस जोड़े होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड जो है और न्यूक्लियोसाइड, यहाँ दो देखिए, न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के और टाइड के लिए एक याद रखिएगा, सत्यनारायण पूजा। देखिए, सत्यनारायण पूजा याद रखिएगा तो आप ये बता पाइएगा, पहले ये देख लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोसाइड शर्करा और नाइट्रोजनी बेस क्षार से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड, जिसको SN बोलते हैं। और इसी में SNP बोल देंगे, SNP, तो जिसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट होता है। मतलब S से शर्करा हो गया, N से नाइट्रोजनी बेस हो गया, P से फास्फेट हो गया, जिसको सत्यनारायण पूजा बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड पूछेंगे तो सत्यनारायण पूजा याद रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा योगी होता है जिसमें शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग एक संकर क्रॉस। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग एक संकर क्रॉस।